तो रही बात, अब बात करते हैं बुक के बारे में। जो हमारी दो बुक हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, प्योर स्पिरिचुअलिटी, मतलब उसमें इतना सब कुछ है, इतना ज्ञान है, और अवेकन सोल, उसमें तो इतना सब कुछ मैंने लिखा है कि अगर आप उसको पढ़ लोगे, आपकी जो आज आप तमाम चीज़ों में उलझे हुए हो, सारी उलझने खत्म हो जाएंगी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि प्लीज़ ले लो, प्लीज़ ले लो, ले लो, ले लो, थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लो, इसमें कुछ ऐसी बुराई नहीं है। और इतना भी मैं आपका एश्योर कर रहा हूँ कि उस चीज़ से जो भी अर्निंग हमें कुछ हो रही है, कुछ पैसों की, कुछ रुपए की, वो अर्निंग भी एक ऐसी जगह लग रही है कि हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर मैं आप सभी को, अपनी पूरी कम्युनिटी को वहाँ पर बुलाऊँ और आप कहोगे वाओ क्या कुछ तो बनाया है इस तरह से। तो मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोग मिलकर इन बुक्स को पढ़ो, अपने ज्ञान वर्धक करो, चीज़ों के पीछे जो उलझे हुए हो, जो अटैचमेंट, मोह, इच्छाएं, इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाओ, एक लाइट जीवन जियो, एक साधु वाला जीवन जीने की कोशिश करो कि जितना से जितना कम से कम हम इस शरीर से कर सकते हैं। मैं कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, कपड़े तो आप कितने पहन लो, लेकिन अंदर से हमारे हर किसी के अंदर इतना सब कुछ भरा हुआ है कि हम उसको किसी के साथ में शेयर करते तो आपको खट फर्क महसूस हो जाता है कि आज मैं हल्का फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आपको किसी के साथ शेयर करने की महसूस ही ना हो, वो जो पूरा वजन है आपके अंदर में वो ऑटोमेटिकली कम हो जाए। वो कैसे कम होगा? जब आपके अंदर जो बौद्धिक विकास है, जो रुका हुआ है, जो ब्लॉकेज है, वो ख़त्म हो जाएगी, वो टूट जाएगी। और वो कैसे टूटेगी? देखिए, सबसे आपकी अच्छी दोस्त हैं किताबें। और इसीलिए मैंने आपकी रिक्वेस्ट पर क्या करा कि आप, मुझे जानता हूँ मैं आप लोगों को, कि आपको किंडल यूज़ करना नहीं आता, बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि हमारे साथ में ऐसे ऐसे भी लोग हैं, देखिए मैं तो 27 हूँ अभी, जो 65 साल के भी हैं, 70 साल के भी, मेरी माएँ हैं, मेरी दादी की उम्र के भी हैं। तो मैं उन सबके देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया, आई एम सॉरी पीछे थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया, मैं पॉज कर लेता हूँ, तो माफ़ी चाहता हूँ। जो एक डिस्टर्बेंस थी, पीछे कोई कुछ बेचने वाले आए थे, वो भी अपना काम कर रहे हैं, हमें भी अपना काम करना है, तो गुस्सा क्यों होना, क्यों किसी को मना करना, उनको उनका काम करने दो, हम अपना काम करेंगे, हम थोड़ा लेट हो जाएंगे। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि हमारे साथ में ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो 70 साल के हैं, उससे भी ज़्यादा उम्र के हैं, तो मैंने उन सबको मद्देनज़र रखते हुए, उनके सोचते हुए मैंने क्या सोचा कि देखिए, किंडल आज के ज़माने का है, मतलब जो यंग जनरेशन है उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। आप जाओ सीधा अपना मोबाइल खोलो, सबके पास में मोबाइल रहता है, पढ़ना स्टार्ट करो। पर जो हमारी माएँ हैं, जो दादी हैं, वो कैसे करेंगी? तो उन सबको सोचते हुए मैंने सोचा कि जो अपना एक ट्रेडिशनल तरीका है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी दिक्कत हो, पैसे के कितनी भी किल्लत हो, मैं गया उस पर, मैंने छपवाई बुक। अब आपका फर्ज है कि उन बुक्स को लीजिए, जो हार्ड कवर आप चाहते थे, आप हमेशा बोलते थे कि मुझे हार्ड कवर चाहिए, मेरे घर पर आ जाए तो मैं फ्री टाइम में इसको यूज कर सकूँ, तो इसलिए मैंने उन बुक्स को वहाँ पे छपवा दिया। अब बस आप परचेस कर सकते हैं, जैसे मैंने बता दिया उसके जो बची हुई धनराशि है वो एक ऐसी जगह लग रही है, बहुत जल्दी रिवील कर दूंगा और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, और वो आप ही का है ये सोच कर।